रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पर बीजेपी का पलटवार, स्वतंत्र देव बोले जनता इस बार शून्य पर लाने की ले चुकी है संकल्प। आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बाराबंकी पहुंचकर पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं बीजेपी ने इसे ढोंग करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कांग्रेस चाहे जिस प्रतिज्ञा का ढोंग करे, जनता उसके कुकर्मों के चलते 4 दशक पहले ही उसे सत्ता से बाहर रखने का संकल्प ले चुकी है। यही वजह है कि 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने के बाद भी जनता ने कांग्रेस को इकाई पर ला दिया था और जन सरोकारों से शून्य कांग्रेस को जनता इस बार शून्य पर लाने की प्रतिज्ञा कर चुकी है। यूपी उम्मीदवारों की पहले लिस्ट तैयार, लेकिन जारी करने से क्यों हिचकिचा रही कांग्रेस? कांग्रेस अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी शुरुआती टिकट घोषित करने में अजीब कशमकश में फंसी हुई है। साफ तौर से कांग्रेस टिकट का ऐलान करने पर इसलिए घबरा रही है क्योंकि उसके बहुत से जिताऊ कैंडिडेट और पुराने नेता जो कांग्रेस के जारी होने वाले टिकट लिस्ट में थे, वे ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस जल्दबाजी में टिकट डिक्लेरेशन करके अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, जमाखोरों व मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, नियंत्रण में आएगी महंगाई। उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों के साथ अन्य उत्पादों के तेजी से बढ़ते दाम पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम को सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सब्जियों, खाद्य तेलों और दाल के मूल्य में अचानक तेजी देखी जा रही है। भारत सरकार ने इस संबंध में स्टॉक लिमिट भी तय की है। इसी कारण जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी जगह मूल्य नियंत्रित रहे, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। इतना ही नहीं, त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी की हर शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका का एक और दांव, खेत में महिला किसानों संग खाई चटनी और रोटी। लंबे अंतराल से प्रदेश में सत्ता से दूर कांग्रेस वापसी को लेकर बेचैन है। बदले माहौल में उसे किसानों से ही आस भी दिख रही है, इसलिए किसानों से जुड़े हर मुद्दे को ना सिर्फ मजबूती से उठा रही है बल्कि खुद को किसान का सच्चा हितैषी घोषित करने की कोशिश भी कर रही है। शनिवार को हरख ब्लॉक में प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का फोकस किसानों पर ही रहा। उन्होंने जनसभा में पहुंचने से पहले महिला किसानों से मुलाकात कर उनसे उनकी दिनचर्या जानी और उनकी दिक्कतों पर चर्चा भी की। इसके बाद संबोधन के बाद दौरान कर्ज माफी और खाद की महंगाई व समर्थन मूल्य का जिक्र कर उनको साधने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में जाने से इनकार, बोले भाजपा को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी पार्टी सपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कदावर नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। सहारनपुर में शनिवार को कांग्रेस के प्रतिज्ञा यात्रा के रवाना होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि उनका अभी या फिर कभी भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने का इरादा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2019 में सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे इमरान मसूद शनिवार को सहारनपुर से कांग्रेस के प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान काफी सक्रिय थे। उन्होंने कहा कि देश तथा प्रदेश में कोई भी पार्टी अकेले भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसी कारण मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस के साथ सपा, बसपा तथा लोकदल सभी को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तभी जीत संभव है। ओवैसी व चंद्रशेखर से सुभाषपा ने किया किनारा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद बदले सुर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी व भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से किनारा कर लिया है। मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को सुभाषपा के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आयोजित वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भागीदारी महापंचायत में अब यह दल शामिल नहीं होंगे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे। दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से अलग होकर छोटे छोटे दलों को साथ लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। इस मोर्चा में AIIMIM के प्रमुख ओवैसी व चंद्रशेखर शामिल थे। राजभर ने 5 साल में 5 CM व हर
हर साल 4 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया था। वे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव से भी कई बार मुलाकात कर उन्हें भी मोर्चा में शामिल कराना चाह रहे थे, किंतु शिवपाल अभी तक मोर्चा में शामिल नहीं हुए थे। गोरखपुर को आज मिलेगी मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात, सीएम करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दोपहर बाद गोरखपुर आएंगे व विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। सोमवार की सुबह गोरखपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के बाद सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में दोपहर बाद 3 बजे से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। योगी सरकार अब चुनावी मोड में आने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन देने की घोषणा की। सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में लोगों को 651 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखे तंज कसे। शनिवार दोपहर 1:30 बजे सुल्तानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज सहित 317 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसौली विधानसभा के दहली बाजार स्थित हर्ष महिला महाविद्यालय में जनसभा में बोले, ये परियोजनाएं सुल्तानपुर वासियों को दीपावली का उपहार है। अखिलेश यादव ने फिर दिया मायावती को झटका, बसपा के 2 पूर्व प्रत्याशी सपा में शामिल। समाजवादी पार्टी की नीतियों व अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए भिनगा श्रावस्ती के हाजी रिजवान बसपा छोड़कर और महाराज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार शुक्ला के साथ अनेक व्यापारी नेता, प्रधान, पूर्व प्रधान सहित 211 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रिजवान भिनगा श्रावस्ती के 10 सालों तक बसपा जिला सचिव रहे हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट किया, हारते हुए लोगों को हर पल हराने वाले याद आते हैं। 22 में भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। अखिलेश के ट्वीट के जवाब में योगी मंत्रिमंडल के अहम सदस्य एवं सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सपा अध्यक्ष की ये बात 100% सही है, पर भाजपा के लिए नहीं, सपा के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार, क्या आएगा यूपी में योगी राज या जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आज तक के अनुसार बीजेपी को मिल रही है इस बार सीटें 150 से 160, वहीं समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं सीटें 157 से 169। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो एक पार्टी को 35 में 42 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस के हिस्से में 20 से 28 सीटें आ रही हैं। आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनेगी, यूपी किसका होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें कि यूपी में किसकी सरकार बनते हुए नजर आएगी। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें, इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।